तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे दर्शकों का कमेंट था कि आधार कार्ड कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में वीडियो बनाई, तो फाइनली मैं आज वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्रोम ब्राउजर आप देख सकते हैं, मार्क कर दिया हूँ। इस पे ऊपर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर जैसे आप खोलेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आपको होम पेज में जाना है, ठीक है दोस्तों। होम पेज से आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको बता रहे हैं। चलिए, होम पेज पे आपको ओके करके बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च का सिंबल जो बना हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ पे लिखेंगे जो आप आधार डाउनलोड, चलिए आप लिख लेंगे। लिख लेंगे सर, जैसे आधार डाउनलोड आप लिखेंगे, उसके बाद सर का जो सर्च का सिंबल जो बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ सर्च का सिंबल पे, आधार डाउनलोड लिख के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, दो नंबर में आप देख सकते हैं गेट आधार का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए, गेट आधार पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन क्या आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, आधार डाउनलोड लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। डाउनलोड आधार पे आपको ओके करना है, ठीक है। चलिए मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला ऑप्शन कुछ आ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड आधार फिर से आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं आप क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार नंबर, ऊपर में आपको इंटर आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद नीचे के कॉलम में आपको कैप्चा डालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे आपको कैप्चा फिल करने का, तो कैप्चा आप डाल लेंगे, जो जो वहाँ पे लिखे हुए हैं उसी को सेम लिखना है, ठीक है। जैसे बड़े छोटे में लिखे हैं तो उसी हिसाब से स्मॉल कैपिटल कैपिटल में मिला करके लिखना है, जिस हिसाब से वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फाइनली, और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जुड़े होंगे तो ही आप आधार यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं सेंड ओटीपी क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद देख सकते हैं हमारे मोबाइल में SMS के माध्यम से OTP आ चुके हैं। चलिए मैं उस OTP को यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आपके नंबर पर भी OTP आएंगे तो आप भी यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई एंड डाउनलोड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है, आधार कार्ड। उसके बाद वेरीफाई जैसे होंगे, उसके बाद आपके फाइल में जा कर के आधार कार्ड सेव हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, योर आधार कार्ड हैज़ बिन सक्सेसफुली डाउनलोड, ठीक है दोस्तों। ये हमारे फाइल में जा कर के डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको होम पेज पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको होम पेज में जाएंगे, उसके बाद आपको फाइल खोलना है, ठीक है। जैसे फाइल मैनेजर होता है मोबाइल के, उसके ऊपर आपको खोलना है, ठीक है। वहाँ पे आपको आधार कार्ड डाउनलोड किया हुआ मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर मेरे मोबाइल में जो है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड का जो फाइल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि सारे PDF फाइल इसी में होते हैं, आप देख सकते हैं मेरे जो फर्स्ट में जो है, सबसे ऊपर में ये वाला अभी डाउनलोड हम किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आधार मैंने डाउनलोड कैसे किए हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर वाला में करते हैं PDF फाइल में, चलिए PDF खोलते हैं इसका, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड को भी खुल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखा बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है। उस पासवर्ड का एक नियम है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपका नाम राहुल कुमार है, ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ 1999 है, तो इसी माध्यम से आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड का जैसे नाम जो आपका है, शुरू का 4 अंक, ठीक है, 4 अक्षर आपको डालना होगा, वो भी कैपिटल लेटर में, यानी बड़े लेटर में, ठीक है। जैसे राहुल है तो RAHU, ठीक है, ये आपको 4 अंक का डालना पड़ेगा। उसके बाद जन्म का जो साल है, ईयर है, ये आपको डालना पड़ेगा उसके पीछे में। जैसे 1999 है तो 1999 आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद आप भी आपका भी जैसे होंगे
जिस हिसाब से होंगे आप अपना खुद का डाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं डाल लिया हूँ। उसके बाद ऑप्शन ओपन का आया हुआ है तो ओपन कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड फाइनली डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से इसे आप अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो पूरे वीडियो देख लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने में अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो मैं लगातार हमेशा लाते रहता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को दबा के शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आप जरूर करें, बहुत ही जल्द आपके लिए हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों।